हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मैं हूँ सौरभ साहा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ एक रियलिस्टिक एक्रिलिक हॉर्स पेंटिंग। और इस पेंटिंग में आप जैसे देख पाएंगे मेरा पूरा प्रोसेस इस हॉर्स को बनाने का, और उसके साथ साथ आज मैं आपको दूंगा टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ रियलिस्टिक ड्रॉइंग फ्रॉम अ फोटो विदाउट मेकिंग इट एग्जैक्टली लाइक अ फोटो। तो दोस्तों ज्यादातर क्या होता है कि हम जब कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं फोटो से, तो ज्यादातर अगर हमारा स्किल्स काफी अच्छा हो या फिर हमने काफी दिनों से पेंटिंग कर रखा हो तो क्या होता है कि एकदम फोटो जैसा बन जाता है वो पेंटिंग, काफी फोटो रियलिस्टिक लग जाता है, जो कि कभी कभी पाना काफी अच्छी बात होती है। काफी टाइम क्या होता है कि वो काफी एक अच्छा चीज है जो कि हमें चाहिए कि हमारी जो पेंटिंग है फोटो जैसी लगे, लेकिन दोस्तों वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फोटो तो हम लगा ही सकते हैं कोई भी खींच के, लेकिन हम जब इस चीज को पेंट करेंगे तो उसमें एक पेंटिंग वाली फील आनी चाहिए, एक फील आनी चाहिए कि आप किसी पेंटिंग को बना रहे, वो एक आर्टिस्टिक फील आनी चाहिए। उसके लिए हम जब फोटो से भी बनाए तो उससे भी हमें लगना चाहिए कि उसमें हमने कुछ खुद का दिया है, ऐसा नहीं कि बस कॉपी प्रिंटर जैसे हमने फोटो से डायरेक्ट छाप दिया। तो इसके लिए हमें अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है, कुछ सेंसेस का अपने यूज करने पड़ते हैं, और उसी हिसाब से अपने फोटो को थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है पेंटिंग के स्टेज में। काफी लोग क्या करते हैं कि फोटो को पहले ही फिल्टर से या फिर कई और चीजों से एडिट कर लेते हैं, उसके बाद उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे अच्छा होता है कि हम अपने माइंड से एडिट करें, क्योंकि उसमें हमें पूरी तरीके से एक फ्रीडम होती है कि हम खुद से चूज करें कि क्या हम उसमें डालना चाहते हैं, क्या हम उससे निकालना चाहते हैं और क्या हम उसमें थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से किसी फोटो को अपना बना लेने के लिए आपको थोड़ी कलर की सेंस होनी जरूरत है, थोड़ी फॉर्म और एनाटॉमी की सेंस होनी जरूरत है। जैसे कि अभी मैं इस घोड़े को बना रहा हूँ, तो आप जैसे देख रहे होंगे कि ये एक वाइट घोड़ा है, लेकिन जो मेरा फोटो था उसमें ये वाइट घोड़ा एक्चुअली में पूरी तरीके से व्हाइट था, और इसमें कोई ग्रे कलर ज्यादातर थे और उसी टाइप के कलर से ये बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने कूल कलर्स और वार्म्स कलर्स का मिक्स करके एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाने की कोशिश की है। ये जो पेंटिंग है ये मैं पार्चमेंट पेपर के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि एक येलो टाइप का पेपर है, जो कि एक मिड टोन पेपर में आता है, जिससे मुझे एक हेल्प मिलती है ताकि मैं कलर के वेरिएशन को अच्छे से देख पाऊँ। तो इसके बाद मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि जो वाइट घोड़ा है उसको वाइट ही मुझे रखना है, लेकिन जो उसके ग्रे कलर्स है वो मुझे पसंद नहीं थे, मुझे ये थोड़ा सा ब्राइट चाहिए था, थोड़ा कलरफुल चाहिए था। इसके लिए मैंने इसमें ब्लू पर्पल और वाइट के डिफरेंट शेड्स का यूज किया है, और साथ में जो अंडरटोन है वो मैंने एक ब्राउन टाइप का कलर का यूज किया है, जो कि काफी पतले तरीके से मैंने दिया है, एक्रिलिक है फिर भी मैंने उसको पतले तरीके से दिया है, लेकिन ये जो ब्राउन अंडरटोन है वो जो निखर के आ रहा है पेंटिंग के ब्लू और व्हाइट हिस्सों से, तो उससे काफी अच्छा एक इफेक्ट मिल रहा है। तो वो वार्म टोन है वो जब कूल कलर्स के अंदर से थोड़ा सा झांक रहा है तो वो हमारे पेंटिंग में काफी अच्छा कूल इफेक्ट देता है, जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। आप जैसे देख रहे होंगे कि जो उसके नेक का एरिया है उसमें जो कोर शेडोज है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स है उसको हम काफी अच्छे से दिखा पा रहे हैं उसके जरिए। तो यही टेक्निक मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। और जब भी आप किसी चीज को पेंट कर रहे हो तो उसके लिए आप थोड़ी सी बस फोटो को नहीं, उसके साथ साथ आप कुछ और घोड़ों के एनाटॉमी को साथ में लेके बैठिए तो वो काफी अच्छा होता है। काफी सारे फोटोज मिल जाते हैं आपको इंटरनेट में, अगर आप घोड़े बना रहे हैं या फिर इंसान बना रहे हैं, तो आप जैसे कि मुझे यहाँ पर जो इसके लेग का एनाटॉमी था और जो इसके चेस्ट एरिया का जो एनाटॉमी था वो काफी अच्छे से दिखाना था, जो कि फोटो में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसमें जो क्या कहते हैं एक एनाटॉमी रेफरेंस निकाला, और उसके हिसाब से मैंने उसमें उसको थोड़ा सा और ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश की, उसमें कलर को और थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की, जिससे क्या होता है कि हमारे पेंटिंग में एक
और ज्यादा क्लैरिटी आती है, क्योंकि फोटो हमें एक चीज दे देता है, लेकिन उससे अगर हमें आगे जाना है, फोटो से अगर हमें अपनी पेंटिंग को बेटर बनानी है, तो हमें कुछ डिसीजंस खुद से लेने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस हमें उसमें खुद से करने पड़ेंगे। तो यही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा जो सामने का एरिया है वो मैं काफी डिटेल से बना रहा हूँ, लेकिन जो व्हाइट का वेरिएशन है वो काफी ज्यादा है। इसके आप देख रहे होंगे जो सामने का है, जो कि फेस का एरिया है, उसको मैंने काफी ज्यादा व्हाइट किया है, लेकिन जो गले का एरिया वो सब है उसको मैंने थोड़ा सा कम व्हाइट रखा है। और जो जो सामने का लेग, जो सबसे सामने आ रहा है, उस लेग को मैं काफी ज्यादा व्हाइट कर रहा हूँ, ताकि वो आगे निकल के आए। तो जब मैं बैकग्राउंड को पेंट कर चुका हूंगा, तो उस टाइम तक वो एक काफी 3D इफेक्ट देगा हमें। और 3D इफेक्ट हमें लाना अपनी पेंटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी रियलिस्टिक पेंटिंग में। इसके लिए हमने जब इसके पेट को, उस एरिया को बनाया, तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो एक राउंड, एक सिलेंड्रिकल जो एक पेट का शेप है वो दिखा पाए। और आप जैसे देख रहे होंगे, जो पीछे का लेग है और जो दूसरे लेग्स है, उन सब में मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, बल्कि काफी उसको लूजली पेंट कर दे रहा हूँ, ताकि उस पे हमारा आंख ना जाए। मुझे बस फ्रंट एरिया पे अपने फोकस को देना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि उसी टाइप से मैंने इसको पेंट करने की कोशिश की। इसके बाद जब हम इसके बैकग्राउंड को पेंट करेंगे, तो पूरा ड्रॉइंग एक निखर के आ जाएगा और अपने जो इफेक्ट है वो अच्छे से दिखाई देगा। इसीलिए हमने इसको इस तरीके से पेंट किया। इसके बाद आते हैं हमारे एजेस। जो हमारे एजेस है किसी भी पेंटिंग में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक एज जिस तरीके से मूव करेगा अपनी पेंटिंग में, उस तरीके से हमको एक इफेक्ट आएगा। एजेस का ध्यान रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्रेलिक पेंट में, लेकिन ऑयल पेंट में वो काफी अच्छे से। जैसे कि सामने के जो एजेस है वो आप देख सकते हैं कि मैंने काफी शार्प रखा है, काफी ज्यादा उसमें क्लैरिटी है, ताकि वो एकदम कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा दिख सके। जैसे आप देख सकते होंगे ब्लैक और व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पेंटिंग है वो सामने की तरफ सबसे ज्यादा निखर के आ रहे हैं। और जो पीछे का एरिया है आप देख रहे होंगे, पूरी तरीके से मैंने बैकग्राउंड में धीरे धीरे हल्के से उसको मिक्स करने की कोशिश की है, ताकि वो ब्लेंड हो जाए बैकग्राउंड के साथ और वो ऐसा लगे कि वो पीछे है। तो ये एक इफेक्ट देने से काफी मजा आता है अपने पेंटिंग में। उसके साथ साथ आप जैसा भी देख रहे होंगे कि मैं उसके पूंछ का बाल और उसके हेयर्स को सब बनाऊंगा, तो उसमें अपने एजेस को ध्यान रखना जरूरी है, अपने ब्रश के स्ट्रोक्स को ध्यान रखना जरूरी है। और इन सब को हम जब वैरी करके अपने पेंटिंग को बनाएंगे, और बस एक एक बाल नहीं बनाएंगे, तो उससे हमारी पेंटिंग में सच में जान आएगी। तो इस सब चीजों का हम जब ध्यान रख के अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे, तो हमारी फोटो से बनाई हुई पेंटिंग में भी एक अलग आर्टिस्टिक फील रहेगा। वो रियलिस्टिक तो दिखेगी, लेकिन फोटो रियलिस्टिक नहीं, बल्कि एक पेंटिंग जैसी जिसमें एक आर्टिस्ट ने काम किया। तो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया कि आपको बता सकूं कि किस तरीके से मैंने इस फोटो को बनाया और क्या क्या चीजों का मैंने इसमें ध्यान रखा। इसीलिए इस पेंटिंग को मैंने इस तरीके से बनाया। जैसे आप देख सकते होंगे कि जो पीछे का एरिया है उसमें मैंने काफी ब्लडी तरीके से अपने पूंछ को बनाया, और उसके साथ साथ जो मैं सामने का हेयर है उसको भी उसी तरीके से बनाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़े डिटेल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि वो सामने है और जो पूंछ का एरिया था वो पीछे था। तो इसी तरीके से हम उसमें थोड़ा बहुत अपने मन से डिटेल्स और चीज को ऐड करेंगे। तो आज का ये वीडियो इसी रीजन के लिए था कि मैं आपको ये बता सकूं। काफी दिनों से मैंने वीडियो डाली नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो इसके लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और यहाँ पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और मेरे वेबसाइट पे जाके आप ये फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी फोटोज भी है वहां पर, मेरे सारे लेसन्स की भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो नीचे आपको मेरे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसमें जाके अपने और पेंटिंग्स बना सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, नए नए पेंटिंग्स डालते रहता हूँ, जो मैं घर में बनाता हूँ या फिर ऐसे बनाता हूँ, तो उन सबको भी आप देख सकते हैं वहां पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, और पेंटिंग बनाते रहिए।